بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. आज पहली बार आप हजरात की जामे मस्जिद जो के मुसम्मा बी अहमद लाहौरी साहब नवरल्लाह मरकज़हु, उनकी जामे मस्जिद में हाजरी की सआदत हासिल हो रही है। सुना तो बहुत था, इरादा भी किया था कभी जाऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसे नसीब होंगे कि इसे महफिल में शिरकत करने के लिए जाऊंगा। खैर, हजरत ने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह की बुनियाद रखी, एक लाहौरी ने बुनियाद रखी, आज कई लाहौरी हमें नजर आ रहे हैं और ये नजर आते रहेंगे। वक्त काफी गुजर चुका है और फरमाइशें भी आप हजरत की तरफ से बहुत ज्यादा हैं। मेनू पूरा एक मेन्यू तैयार हो सकता है खाने का, जिस तरह खाने का मेन्यू होता है ना होटल में, उसमें पूरा मेन्यू तैयार हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना जितना वक्त है उसमें कलाम को समेटू। आप अगर मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं चलता रहूँगा। मैंने रबी अव्वल के प्रोग्राम अब तक तो कराची से बाहर नहीं किए, तो वजह ये थी कि पहला प्रोग्राम मैंने शुरू किया रबी अव्वल का, बाकी जो दिन थी मैं कैंसिल करता रहा। उसकी वजह ये थी कि मेरी वालदा की तबीयत अचानक काफ़ी ख़राब हो गई थी, गुर्दों का मसला हो गया, फिर दिल का मसला हो गया, फिर आई सी यू चली गई। अल्लाह का बड़ा फजल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि आई सी यू से निकल गई मैं एम बी बी एस अस्पताल में। तो साथ ही बता रहे थे कि आपके इस प्रोग्राम की खसूसियत है कि जिसका नाम लिखा जाए वो बंदा आता है। तो मैंने कहा क्या पता ये वही करामत है कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, तो अल्लाह ताला लेके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना रखते में रहे और खैर अल्लाह को लेके आना था, तो मैं टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा, अपना भी कीमती बनाऊँगा। आप हजरात के ज़ौक को देखते हुए पता चला है कि दो तीन मंजिलें ऊपर हैं और वो लोग भी माशाल्लाह महफिल में शरीक हैं, तो मैं आप हजरात के ज़ौक को देखते हुए एक कलाम से इंतजार करता हूँ। तो साथ देंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप हजरात के ज़ौक को देखते हुए एक कलाम से इब्तिदा करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे सही सही पढ़ने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप हजरात के ज़ौक को देखते हुए एक शायर ने आपकी ही तर्जुमानी की है, आप हजरात की तर्जुमानी की है और किन अल्फाज में की है तवज्जो है। तो शायर ने आपकी तर्जुमानी करते हुए कहा, कुछ रोज से इश्क़ अहमद में, कुछ रोज से इश्क़ अहमद में यूं रात गुजारा करते हैं, दुनिया तो मजे से सोती है, हम नात सुनाया करते हैं। कुछ रोज से इश्क़ अहमद में, कुछ रोज से
आती